بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان الله سبحان الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله لا زنت له ولا ند له لا مثل له ولا مماثل له سبحان الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا سبحان الله وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجأنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة سبحان الله ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه اللہ تبارک و تعالی دی حمد نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم روح کائنات جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس تے اندر درود و سلام عرض کرن تو بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات بالخصوص حضرت علامہ الحاج محمد ظریف صاحب چشتی جناب مولانا علامہ محمد رمضان صاحب فریدی خطیب مسجد ہذا محترم ڈاکٹر منیر حسن مجتبی صاحب دیگر معزز اراکین مساجد اور سامعین حضرات الحمدللہ اسی سارے نبی کریم رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل میلاد دے اس خوبصورت پروگرام دے وچ حاضر ہاں اللہ کریم اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے آمین تساں حضرات نے قبلہ حاجی صاحب دا علمی تحقیقی اور نورانی ایمان افروز بیان سماعت فرمایا ایسی علمی تقریر تو بعد مزید تقریر مناسب نہیں ہوندی لیکن تساں دوستاں دی محبت اور انہاں بزرگاں دی دعا دی خاطر حاضر آیا ہے
अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह आली उच्च कबूल मंजूर फरमाए। आमीन। मैं बड़ी सादी दी गल करांगा ताकि तुहाडी समझ विच भी आ जाए। इस महफिल च हाजिर होण दा सब नूं मकसद नसीब हो जाए। कायनात दे अंदर बच्चे पैदा होंदे ने, होंदे रहणगे, और दुनिया दा दस्तूर है जदों बच्चा पैदा होंदा है फिर वह जवान हुंदा, तालीम हासिल करदा, खुश नसीबी नाल जेकर कोई कौम मिलत वास्ते कम कर गुजरे फिर उहदा नां हाईलाइट हुंदा, फिर मुआशरे दे अंदर उहदा एक मकाम पैदा हुंदा, फिर उहदे मुआसिर तारीख तान हिस्टोरियल जिहड़े ने उह फिर उहदी तलाश करते ने कि पैदा किथे होया है। उस तो पहले किसे नूं पता नहीं होंदा। वो तलाश करते ने कि पैदा किथे होया है, किस स्कूल च पढ़िया, किस किसने इहदी तरबियत कीती है, इसदे असातज़ा कौन ने, इहदे मुआसिर कौन ने, उन्हें जिंदगी के तमाम पहलू तलाश किए जाते ने, फिर ओदी जिंदगी ते कोई किताब लिखी जाती है या ओदे कारनामे बयान किए जाते ने, लेकिन ओदी जिंदगी के अंदर जो कमजोर पहलू होते ने ना उन्हू जान बुझ के छुपाया जाता है ताकि कारनामिया ते वो पानी ना फेर दे। वेखदे हो ना काज आजम मोहम्मद अली जिन्ना दा नां ते बड़ा सुनदे आ ना, जदों तक ओ पाकिस्तान दा वकील नहीं बनिया पुलिस जाणदा, उहने वकालत कीती, फिर लोकां वेख्या है भई पढ़िया किथे है, पैदा किथे होया, इहदा खानदान कौन है, इहदा सारा उहदा गोशा गोशा छाणिया, लेकिन उहदी खूबियां दा जिक्र कीता, उहदी कमजोरियां दा जिक्र तारीखदान नूं छुपा गए ने। क्यों? कि वह कमजोरियां बयान करते खूबियां ते हावी हो जांदियां, ते पता चलिया दुनिया का दस्तूर यह है कि शख्सियत पहले होंदी है, ओदी सिफतां ते ओदे कारनामे बाद बयान होंदे ने। लेकिन सजनो इस पूरी कायनात के अंदर वाहिद मेरे ते तेरे नबी दी ज़ात है जे पैदा नहीं होए सिफतां पहले हो रही। सुभान अल्लाह। अजे कमली वाला आया नहीं, सरकार ने कोई कम करके नहीं दसिया, अजे हजूर दुनिया च आए नहीं, हजूर ने आन तो सदियां पहले हजूर ने चर्चे हो रहे हैं। जी हदीस हाजी साहब ने हदीसे नूर का जिक्र करन लगे सन ना, वो यही सी ना, कहते हजूर आए नहीं, हजूर का जिक्र पहले मौजूद है। नूर नबी दायो तो आम आदम जदों नूर नबी दायो तो आदम जदों अव्वल आखिरी दो पास ओ सब तो पहले सरकार निकल हो रही है।
कुरान के अंदर वह इज अखदल्लाह मीसाकन नबीयीन अल्लाह तबारक व तआला ने सब नबियों नु जमा करके मीसाक लिया वादा पुख्ता वादा एक होंदा किसी गल नु अपने जिम्मे ला लेना इकरार कीता है किसी गल दा इकरार कर लेना ते किसी ने पल्ले गल पा देनी वे एक कम फराने कीता है दावा हो गया ते किसे गल नु अपने जिम्मे ले लेना ए वादा हो गया उस वादे नु तारीख ले आओ ते आहद हो गया उस तारीख दे उत्ते गवाहियां गुजरन रजिस्ट्रियां होन मुकरन दा कोई चांस ना रह जाए तो उसनु मिसाल कर दे ते जे अगर उस उत्ते कोई सदा भी मुहूर्त रखी जाए वजह अगर जेड़ा मुकरेगा तो यह सदा होगी कुरानी जबानी सुन किया इस रन अलिफ स्वाद रहना अल्लाह फरमाना मैं मिसाक लिया नबिया को अन नबी गीन सब नबिया को अलिफ लाम जिनस है तो नबी गीन आम है सब नबिया यह जो नबी बन के सारे मौजूद सन क्योंकि नबी आम है ना हर रसूल नबी होंगे हर मुरसल नबी होंगे पर हर नबी रसूल ते मुरसल नहीं नबी सब ने कितने नबी ने 1,24,000 किया कमो बेश 313 रसूल ने 4 मुरसल ने वो सारे मौजूद ने नबी गीन इस माने सारे मौजूद ने इधर अंदर जनाबे आदम अलैहि सलाम भी मौजूद ने ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਇਦਰੀਸ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਜਨਾਬ ਅਰਮੀਆ ਜਨਾਬ ਯੂਹੂਨ ਜਨਾਬ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮ ਜਨਾਬ ਯੂਨਸ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਯੂਸ਼ਾ ਬਿਨ ਨੂਨ ਜਨਾਬ ਜ਼ੁਲਕਿਫਲ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਜਨਾਬ ਅਯੂਬ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕਿਆ ਵੀ ਤਮਾਮ ਨਬੀ ਅਲਨਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਜਿਸ ਨਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸਭ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਮੀਸਾਕ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੋਲ ਮੀਸਾਕ ਲੈ सब को मिसाक ले तो सारे नबी मेरे रसूल दे मुबशर बन के आए ने हजूर दे आम तो पहले हजूर ये खबर दे रहे ने हजूर किसे नबी ने मुबशर नहीं हजूर भी मुबशर ने पर किसे नबी ने बशारत नहीं दी थी हजूर ने बशारत दी थी जन्नत की क्योंकि हजूर तो बाद कोई नबी आना नहीं हजूर ने किसे आने वाले नबी की खुशखबरी नहीं सुनाई जन्नत की खुशखबरी सुनाई है सब नबी मेरे रसूल ने मुबशर ने हजूर ने आम दिया खुशखबरियां सुनाइया जनाब आदम अलैहि सलाम बेटे नु क्या बेटा जब मुश्किल बन जाए ना तो मैं आजमा के वेखे मोहम्मद मुस्तफा का नाम लैके मुश्किल टल जाए अल्लाह की बारगाह दुआ करना हजूर का नाम लैके रवायत मैं तफसील नहीं जाता इशारा तो मैं किया कि फरमाया बेटे नु तो जिगर आदम अलैहि सलाम तो सब मुबशर ने हजूर ने जनाब यूसुफ अलैहि सलाम ने फरमाया बेटा जब कोई मुश्किल पेश आ जाए अल्लाह की बारगाह के अंदर इत्तला करनी होवे हाथ उठाना नबी करीम का नाम लाना मुश्किल कर जाएगी आदम अलैहि सलाम तो लेके आज तक यही रवायत चली आ रही है कि हजूर का नाम लाए मुश्किल टल जाएं कि जब लिया नाम नबी मैंने दुआ से पहले जब लिया नाम नबी मैंने दुआ से पहले मेरी आवाज वहां पहुंची सदा से पहले नारे तकबीर अल्लाह।